के सर से हट गया, एक और रिश्ता टूट गया। बड़ा प्यारा बड़ा सुहाना रिश्ता था इन दोनों में, जिसका जिक्र सुनिए बर्मन दादा के होनहार बेटे राहुल देव बर्मन यानी पंचम से। पंचम दा, तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी बहुत करीब रहे हमेशा, बहुत करीब शुरू से। मेरे पिताजी तो बहुत श्रद्धा करते थे और सचिन दा भी बहुत प्यार करते थे। बिल्कुल। अभी देखो एक अजीब बात, अभी किशोर दा भी नहीं है, बाबा तो 75 में गुजर गए, तो उसके बाद किशोर दा यही बात करते थे कि देखो पंचम, ये आदमी जब चले जाएंगे ना, इस टाइप के एक वैक्यूम हो जाएगा, मतलब इस टाइप के आदमी नहीं मिलेंगे, मतलब सुर के संगीत की बात ही नहीं, मतलब इस टाइप के कैरेक्टर ही नहीं मिलेगा, और इतना सच्चा आदमी इतना ये। ऑफकोर्स मैं पिताजी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो दादा इस तरीके सही बात है, दादा इस तरीके से बात करते सही बात। और मैं समझता हूँ कि मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद जो दादा ने श्रद्धांजलि जिस तरीके से रेडियो बोलो जहां पर भी बोलो उन्होंने दिया, किसी ने उतना ट्रिब्यूट नहीं दिया। बाबा को बहुत धक्का पहुंचा था। पिताजी को जब पैरालिसिस अटैक हुआ, जिस दिन हुआ उस दिन, ये किसी को मालूम नहीं, उस दिन वो आए थे, आके सुबह रिहर्सल किया, बड़ी सुनी सुनी लास्ट सॉन्ग अभिमान, वो गाना उन्होंने रिहर्सल किया, रिहर्सल करके गए। नहीं अभिमान नहीं, लास्ट फिल्म करेक्ट सही बात। तो वो रिहर्सल किए, रिहर्सल करके जैसे गए 15 मिनट का उनको अटैक आया पहले से। उसके बाद पिताजी हॉस्पिटल में थे, किशोरदा गए हॉस्पिटल में, किशोरदा ने बोला कि आप कोई चिंता मत कीजिए, परसों आपका रिकॉर्डिंग देखिए कैसा होगा। महबूबा करके एक पिक्चर बनी थी, तो मेरे नैना सावन भादो उनको मुझे अभी तक याद है, हम जाके रिहर्सल दिया तो कहने लगे लता भाई भी गाने वाली है, उनके बिल्कुल गाने वाली, पहले उनसे गाओ। क्यों आपका पहला डेट आपका है, डांस करना क्यों पूछ रही हूँ, नहीं ये गाना बहुत तगड़ा गाना है, बहुत मुश्किल गाना है, पहले मैं सुनूंगा उसको, मैं पोस्टमार्टम करूंगा, उसको खा जाऊंगा फिर गाऊंगा। कमाल आदमी ना, मैं जाके शक्ति दा को कहा कि ये तो पागल आदमी है, ये पहले लता भाई का गाना रिकॉर्ड, अब ना ये गाना लता भाई का जो गाना होने वाला है वो रिकॉर्ड कीजिए। तो शक्ति ने बोला क्या कर रहे हो, नहीं नहीं मेरे शूटिंग का गड़बड़ हो जाए। उन्होंने कहा मान जाइए एक आर्टिस्ट बोल रहा है अच्छा गाएगा, तो हुबहू वही हुआ, लता भाई को जाके रिक्वेस्ट किया, लता भाई ने पहले गाया फिर उन्होंने सुना उसको, बोले अभी तुम मत सिखाना, मैं उनके वॉइस में सुनूंगा, जो जो मुझे ठीक करना है मैं ठीक करूंगा, करके मैं गाऊंगा ही गाऊंगा ये गाना। फिर उन्होंने जो गाना गाया वो बाप रे बाप, हिस्ट्री हिस्ट्री एब्सोल्युटली। आपको एक बात बता देता हूँ, इससे मुझे याद आ गया, लता भाई जैसा आर्टिस्ट, आशा भाई जैसा आर्टिस्ट, वो दोनों कहते हैं मुझे कि मुझे हम लोगों को किसी की परवाह नहीं, लेकिन ये आर्टिस्ट जब साथ में पास में खड़े होकर गाते थे ना, they used to feel conscious.